तो गाइस आज हम बनाएंगे सोडियम एसीटेट, इसे गर्म बर्फ भी कहा जाता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस इसको बनाने के लिए आप लोगों को दो चीज लेना है। यहाँ पर है बेकिंग सोडा, ये 400 ग्राम लिए, और ये 500 ग्राम विनीगर है। तो इनको मिक्स करना है हमें और एक घंटे के लिए छोड़ देना है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह मिक्स करना है। दोनों चीज हम बारी बारी ऐसे डालते रहेंगे। आप देख सकते हो रिएक्शन थोड़ी होगी, लेकिन हमें इससे कुछ वो नहीं है। जितना मैं बताया हूँ आपको सेम इसी तरह लेना, नहीं तो बनेगी सही से नहीं। इसे थोड़ा चलाकर आप लोगों को एक घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। तो चलिए गाइस एक घंटे के बाद मिलते हैं। सो गाइस एक घंटे से ज्यादा हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसके बाद हमें इसको उबालना है थोड़ा ज्यादा देर तक। तो यहाँ पर आपको कोई भी पतीली वगैरह ले लेना है और उसको इसके अंदर हमें पलटी करना है। इसका पानी चला गया, अब इसके बेकिंग पाउडर को भी पलटी कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये काफी हद तक का पक चुका है, तो चलिए इसको बंद कर देते हैं। देख सकते हो अभी किस तरह का बन गया। चलिए इसको हमारे कांच वाले बाउल में पलटी कर देते हैं। गाइस अब इसे हमें एकदम ठंडा होने तक का छोड़ना है, फिर उसके बाद ही जाके हमारा सोडियम एसीटेट रेडी होगा। इसको जरा भी हमें हिलाना नहीं है। चलिए इसको छोड़ देते जब तक का ये ठंडा होता है तब तक। सो गाइस फाइनली बहुत सारी गैस और बहुत सारी मेहनत गवाने के बाद यहाँ पर ही हमारा देख सकते हो कंप्लीट हो गया। इसको मैं हिला दिया था तो ये ऊपर देख सकते हो बर्फ जम गई है। ये है हमारी गर्म बर्फ। चलिए टेस्टिंग करते हैं। हमने एक भी बार इसकी टेस्टिंग नहीं की है। ऊपर देख सकते हो अभी कुछ इस तरह की लेयर जमी है। ये अगर मैं इसको हटा के दिखाऊँ आपको, देख सकते हो पूरा बर्फ बन गया है ये, लेकिन ये ठंडा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन इतना है कि ये बर्फ बन गया, बर्फ है हो चुका है ये। जिस तरह से हमारी बर्फ रहती है देख सकते हो आप, ये बर्फ जम चुका है। तो देखते हैं अगर हमारे हाथ में कुछ रिएक्शन कर रहे है। हाथ में तो नहीं हो रहे, लेकिन ये कि और चीज़ें जो साइड में जहाँ तक का इसको हवा मिल चुकी थी वहाँ वहाँ चीज़ों को ये बर्फ बना दिया है। तो पूरा क्रिस्टल बन चुका है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो बिना फ्रिज के हमने क्रिस्टल बर्फ रेडी कर लिया है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर दे। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए।